गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.1। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 विद फर्स्ट पार्ट, राइट। टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको ट्रू की जगह पे टी की जगह पे ट्रू लिखना है, फॉल्स लिखना है, ठीक है। देन फर्स्ट है आपका रोमन न्यूमरल फॉर 50 इज सी। 50 को हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं? नो, फॉल्स। हम रोमन न्यूमरल 100 को सी बोलते हैं, ट्रू। हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर एक्स आई एक्स इज 19, ट्रू। मैंने बताया था एक्स को 10, ये लिखा हुआ है 10 में 1 माइनस करोगे 10 प्लस 9 19। नेक्स्ट है हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर एक्स एल वी आई आई इज 67। एक्स को क्या बोलते हैं, 10। एल को 50, 50 में 10 माइनस करोगे 40 प्लस 7 47। ये तो 67 दिया है, इट मीन्स ये फॉल्स है। यहाँ पे 47 की वैल्यू दी है, ट्रू। रोमन न्यूमरल 95 क्या होता है, बीसी, फॉल्स। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे, इन सर्कल करेंगे इनकरेक्ट न्यूमरल्स को। मैंने आपको रूल बताया था, रूल्स आप ध्यान से देखना। वी कैन राइट अ स्मॉलर न्यूमरल ऑन द लेफ्ट ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल ओनली वंस। जो भी ग्रेटर न्यूमरल होगा उसके लेफ्ट स्मॉलर न्यूमरल हम सिर्फ क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अगर दो बार लिखा है तो वो रॉन्ग होगा। जैसे यहाँ देखो 55 है ये, यहाँ पे 2 है, बट ये 2 क्या है, ग्रेटर न्यूमरल के दो बार यूज हो गया ना स्मॉलर न्यूमरल, रॉन्ग। एल भी ग्रेटर है, ये डबल एक्स क्या है, स्मॉलर, बट ये 2 टाइम यूज हुआ है, उन्होंने बोला है ओनली वंस टाइम यूज करना है, ठीक है। इसी तरह आप इनकरेक्ट न्यूमरल्स करोगे। यहाँ पे देखो 10 प्लस 10 क्या हो गया, 20, बट यहाँ पे 1 है। तो हमने क्या बोला था, ग्रेटर न्यूमरल की लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक बार स्मॉलर न्यूमरल होना चाहिए, यही बोला गया था ना। जैसे 1 ये है तो हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। आपको ये ध्यान से देखना ये क्या बन रहा है। देन ये भी सही है, ये भी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सम में क्या करोगे, ये 50 है, ये 20 है, 2 टाइम यूज कर दिया। यहाँ भी उन्होंने 4 टाइम यूज कर दिया है, ओनली वंस टाइम बोला उन्होंने कि वंस टाइम यूज करना है। सो इसी तरह आप बाकी भी देखोगे कि इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से करोगे। थर्ड पार्ट है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम रोमन न्यूमरल को बेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उसको हिंदू अरेबिक करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू कौन सी है और हमें कैसे अरेंज करना है। तो आप इसको हिंदू अरेबिक में लिख लो। जैसे एल को हम 50 बोलते हैं, आई एक्स को हम 9 बोलते हैं, एक्सएल को 40 बोलते हैं। इसी तरह आप इसको अरेंज करो, देन उससे इजी होगा आपको। जैसे सबसे छोटी डिजिट क्या है, 9, तो 9 की वैल्यू क्या थी, आई एक्स। उसके बाद 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्सएल, 50 एल, देन 60 एल एक्स। इसी तरह नेक्स्ट सम में हिंदू अरेबिक में रेंज किया है इसको, सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 20 डबल एक्स, 50 एल, 55 एल वी, देन उसके बाद 90 एक्सी, 100 सी। इसी तरह इसको भी आप हिंदू अरेबिक में करोगे, फिर उससे आप करोगे सम। 14 की वैल्यू क्या है, एक्स आई वी, 17 की एक्स वी डबल वन, देन 19 की एक्स आई एक्स, 20 डबल एक्स, 21 डबल एक्स आई। इसी तरह नेक्स्ट सम है, सबसे पहले 4 स्मॉलर डिजिट आएगी, उससे बड़ी क्या है, 10, 11, 15, 20, ठीक है। आप नेक्स्ट सम ऐसे ही करोगे। हमारे असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे छोटी डिजिट लेके उससे बड़ी डिजिट्स हमने लिखनी है। फोर्थ पार्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रोमन न्यूमरल्स। आपको जो ब्लैंक दी हुई है आपने उसको सॉल्व करना है विद रोमन न्यूमरल से। डबल एक्स वी को हम क्या बोलते हैं, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25। यहाँ पे एक्स को 10, एल को 50, 50 में 10 माइनस किए 40, तो 25 में से 40 के कितने आते हैं हमारे पास, 15। यहाँ पे 15 की वैल्यू आएगी। इसी तरह नेक्स्ट है 50 माइनस 10 कितने होते हैं, 40। तो हम क्या करेंगे, 50 को क्या एल को क्या बोलते हैं, 50, एक्सएल को 40, ठीक है। हमें ये ब्लैंक सोल्व करनी है, 50 में 40 के 10, 10 की वैल्यू आई एक्स। इसी तरह नेक्स्ट है डबल एक्स क्या हो गया, 20 प्लस 7 27, 20 प्लस 3 23, दोनों को प्लस करके 50, 50 की वैल्यू लिख दो।
इसी तरह आपको 10 की वैल्यू दी है x, 50 की l, माइनस किया 40 आ गया, 40 की वैल्यू लिख दोगे। यहाँ पे ट्रिपल एक्स डबल आई की दी है 32, एक्सएल की दी है 40, 40 में से 32 गए 8, यहाँ पे आप 8 की वैल्यू लिख दो। एक्स सी क्या होते हैं, सी को क्या बोलते हैं हम, 100, 100 में हम 10 माइनस करेंगे 90 प्लस 2, 92, एक्सएल 40 आ गया, 92 में 40 गए 52, यहाँ 52 की वैल्यू लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।